करना नहीं, चमकाओगे तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा आपके ऊपर। हमारी जमीन ये रोड भी मेरी जमीन तो सुना आपने कैसे कलेक्टर साहब कह रहे हैं दो मिनट में गुंडागर्दी निकाल दूंगा सारी। ये है रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और अपने सख्त तेवर की वजह से आजकल सुर्खियों में है। नरेंद्र सूर्यवंशी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं साहब के गुस्से की वजह। दरअसल कलेक्टर साहब इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि जन सुनवाई में उनसे शिकायत की गई कि अज्जू शेरानी के बारे में शिकायत थी कि अज्जू शेरानी भूमि पर अवैध कब्जा करता है और धमकाता भी है। बस जानकारी मिलते ही कलेक्टर साहब नरेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंच गए और फिर क्या, अज्जू शेरानी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कलेक्टर साहब ने कहा कि दो मिनट में सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगा, लोगों को डराना और धमकाना बंद नहीं किया तो सारी गुंडागर्दी भुला दूंगा। कलेक्टर सूर्यवंशी के तीखे तेवर भांप कर अमला भी अलर्ट हो गया। इसके बाद मौके से शेरानी को पुलिस सीधे स्टेशन रोड थाने ले गई। मेरा वो है आपको दो टुक शब्द में निर्देश, यार किसी को चमकाना नहीं, वो चमकाओगे तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा आप लोगों के खिलाफ। साहब हमारी जमीन है, ये रोड भी मेरी जमीन में से निकला है। क्या खाक जमे, फालतू बात करते हो, लोगों के रहस्य बेच बेच के लोगों को लूटने का काम करते हो। रखना कार्रवाई करूंगा कड़ी, तो भूल जाओगे अपने गलत तरीके से। दो मिनट में गुंडा करते बुला दूंगा तुम्हारी। कौन कर रहा गुंडा करती साहब, कौन कर रहा गुंडा करती? ये अभी यहाँ पे निर्माण करना है हमारी जमीन में, वो गेहूँ बो दिया साहब, वो गेहूँ में खंबे गाड़ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ है वो मेहता जी? अरे किसी की तरफ आग उठा के देखिए ना, याद रखना पूरा नेस्तनाबूद करूँगा आप लोगों को। हमारी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया, ये जमीन मेरी है, यहाँ पे सब रोड निकला मेरी यहाँ पे। आपको बता दें अज्जू शेरानी पर कई मामले दर्ज हैं। एसपी गौरव तिवारी ने अवैध कब्जों को लेकर मुहिम चलाई थी। जनवरी 2022 में खाच रौद रोड स्थित अज्जू शेरानी के अवैध निर्माणधीन बंगले पर जेसीबी चलाकर कब्जा हटाया था। इसके बाद मार्च 2022 में तत्कालीन कलेक्टर पुरुषोत्तम ने रासुका की कार्रवाई भी की थी। हमारी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया, ये जमीन मेरी है, हमने सब रोड निकला मेरी यहाँ पे। ये कागज जीता ये देखो साहब,